श्रीलंका में इस समय घरेलू टूर्नामेंट लंका प्रीमियर लीग 2022 सीजन खेला जा रहा है। इसी दौरान एक मैच में बड़ा हादसा हो गया और एक स्टार प्लेयर बुरी तरह चोटिल हो गया। यह खिलाड़ी श्रीलंकाई ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने हैं, जिन्हें मुंह पर बॉल लगी है। बॉल लगने के कारण चमिका करुणारत्ने के मुँह से खून आने लगा। उनके 3-4 दांत भी टूटने की बात कही जा रही है। घटना के बाद मैच को थोड़ी देर के लिए रोका गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया गया है कि उनका जबड़ा भी बुरी तरह चोटिल हो गया है। दरअसल ये घटना लंका प्रीमियर लीग में बुधवार को कैंडी फैलकॉन्स और गोल ग्लेडियर्स के बीच खेले गए मैच में हुई। चमिका फैलकॉन्स टीम के लिए खेल रहे हैं। घटना ग्लेडियर्स टीम की बैटिंग के दौरान चौथे ओवर की पहली बॉल पर हुई। फैलकॉन्स के लिए कार्लोस ब्रेथवेट गेंदबाजी कर रहे थे। उनके ओवर की पहली बॉल पर फर्नांडो ने कवर के ऊपर से हवाई शॉट खेला, जिसे कैच लेने के लिए चमिका ने दौड़ लगाई। पीछे बाउंड्री की ओर भागते हुए चमिका करुणारत्ने ने कैच तो लपक लिया, लेकिन इस दौरान वो अपना जबड़ा चोटिल करवा बैठे। बॉल हाथ में आने से पहले उनके जबड़े पर ही सीधे गिरी थी। हालांकि चमिका ने कैच लपक लिया और तुरंत ही अपने साथी खिलाड़ियों को बॉल दे दी। इसके बाद देखा गया कि उनके मुंह से खून आने लगा। इस घटना के बाद तुरंत ही चमिका करुणारत्ने को अस्पताल ले जाया गया। तो दोस्तों, चमिका की इस साहस भरी फील्डिंग के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।